बाकी सारे काम कर लिए मैंने, अब बस ये जो हैं कुछ चीज़ें जो हैं वापस रखनी है अपनी जगह पे। इस्त्री ऐसे जो है ना मैं डब्बे के अंदर डाल के रख देती हूँ, वैसे भी इस्त्री को बाहर रखना अच्छा नहीं है, मतलब के बच्चे होते हैं तो। और दूसरा ये है कमरे में स्पेस की नहीं है अपनी, इसको कहीं बाहर रखा जाए, तो इसको मैं इस तरह अंदर डाल के रख देती हूँ बाल्टी के अंदर। कपड़े वगैरह भी सारे इसके अंदर डाल देती हूँ। और जो है ये आगे ऊपर बास्केट आ गई मेरी, ये शायद जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो बस ये इसलिए उल्टा करके रखा हुआ है कि निकल जाए। पैंपर का शॉप है, ये कपड़े अभी बस मैं छत पे लेके जा रही हूँ, पैक होता हूँ, जायनवाज मेरी पड़ी हुई है। और बाकी ये चीज़ें जो हैं ये ऐसे इधर आ गई, इसकी गुजी के रिंग्स हैं, अभी लगाए ही स्टैंड पड़ा हुआ है जिस पर मैं वीडियो बना रही थी। और ये गुजी इधर बैठी हुई है, गुजी क्या कर रही हो, से हेलो, हेलो कर दो, बोलो। अभी इसका मूड नहीं है इलो बोलने का, नहीं बहुत मज़े से जो है ना हेलो बोलती है, बोल दो ना हेलो। तो बस ये जो है ना ये मैं इधर लटका लूँगी, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा गीला था तो इसलिए ये उतर रखा हुआ था थोड़ा मैंने। पता नहीं इस मोबाइल के कैमरे में क्या मसला है कि बार बार वीडियो जो है ना ब्लर कर देता है, तो ये बॉल भी इधर आ जाएगी। लॉकर वापस मैंने नीचे उतार दिया, मेकअप किट इसने मेरी इधर डाल के रखी हुई है। और जो है ये चेयर भी मैं इधर रख देती हूँ वापस। अभी इस बॉल को भी धोना है मैंने, किसी दिन टाइम निकाल के इसको सही तरह से वॉश करूँगी। मेरा दिल तो कर रहा है इसके अंदर से हवा निकाल के ना इसको सही तरह से वॉश कर लिया जाए। और बाकी ये जो टॉयज़ वगैरह हैं ये थोड़े से टॉयज़ खोले हैं, रिंग्स हो गई और ये कलर और ये अल्फ़ाबेट्स और बिलून जो कि क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इसको पसंद है, तो बस ये इसने खोल के रखे हैं। वो देखे हफ्ते शूज़ पहन रही है। और बाकी जो हैं ये सारी चीज़ें मैंने रखती हैं, वो जो है वो कैटल है, वो नेबुलाइज़र है क्योंकि नेबुलाइज़ करना होता है, वो दूध के तौर पर पड़े हुए हैं, वो दूध पी रही है। और वो बास्केट उसकी पैम्पर वाली से उसमें क्रीम वगैरह पड़ी होती। और बाकी ये कमरा जो है मैंने साफ़ कर लिया है, गुस्सी की कैप कर पड़ी हुई है इधर। तो बस यही मेरी रूटीन होती है, अभी मैं जा रही हूँ छत पे डालती हूँ। चलो आ जाओ। ये मैं 10 रुपए के दाने लेके आई थी, ये छली के दाने होते हैं जो नरम वाले दाने होते हैं, ये वो वाले थे। तो ये जो है ना ये गुजी को बहुत पसंद आए हैं, पता नहीं अब इसका पेट ना खराब हो जाए इनसे। मान मान के तो कपड़े जितने मर्जी चेंज करवाओ ना इसने जो है ना ये हाल कर देना है, ये इसका हाल होता है। अभी फिर इसे इसके कपड़े चेंज करवाने पड़ेंगे। और जो है ना ये कपड़े चेंज कर करके ना इतनी जल्दी मतलब कि ये जो है ना अपने सारे कपड़े गंदे करती है कि मुझे धोने का भी टाइम नहीं मिलता और इसके सारे कपड़े ख़त्म हो जाते हैं। फिर जो है ना मुझे गुजी के कपड़े इसको पहनाने पड़ते हैं। पता नहीं ये वीडियो इतनी ब्लर क्यों आ रही है। एक तो मैं ना इस मोबाइल के कैमरे से जो है ना बहुत तंग आ गई हूँ भाई, तुम कम से कम वीडियो तो सही दिखाओ ना।
ये मैं चीनी भी ले आई हूँ, दूध भी ले आई हूँ, जो नॉर्मल रूटीन की चीज़ें होती हैं वो ले आई हूँ। और आज मेरा मसूर की दाल खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा कि शायद मैं ले आती हूँ। तो हो सकता है आज मैं मसूर की दाल बनाऊँ, हो सकता है कुछ भी ना बनाऊँ। कभी कभी मेरा बिल्कुल खाने पीने का मूड नहीं करता, दिल नहीं करता। ये कोकोनट लाई हूँ दुकान से। मुझे ना इस कैमरे पे बहुत गुस्सा आ रहा है, जो ये वीडियो ब्लर कर रहा है ना, बहुत शदीद गुस्सा आ रहा है मुझे। शुक्र है आप साफ हो गया। पता नहीं, आप मुझे बताएं कि ये हुआवे का मोबाइल है, इस वजह से ब्लर हो रही है, क्या मसला आ रहा है कि वीडियो जो है ना इतनी ब्लर हो रही है। तो ये मैं बेकिंग सोडा लेके आई हूँ, और ये जो है ना, ये मैं अपनी जो आपके साथ रूटीन शेयर करती हूँ स्किन केयर की, उसमें मैं आप लोगों के साथ ना एक वो ट्रिक इसकी मैं बताऊँगी कि इससे ब्लैक हेड्स कैसे रिमूव होते हैं। तो आप लोग जो है ना मेरे चैनल पे ऑन रहिएगा, क्योंकि ये वाली वीडियो ना किसी भी दिन और कभी भी आ सकती है। यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ, क्योंकि सितारा यासीन की तरह जो है ना, मुझे भी जो है ना चाय पीने का बहुत शौक है। तो ये मैंने दूध, मैं इसी तरह चाय बनाती हूँ, पहले दूध डाल के फिर उसमें जो है ना सारी चीज़ें ऐड करके फिर उसको सही तरह से उबाल के, तो बस ऐसी चाय बनाती हूँ मैं। और ये मेरा सामान भी बाहर ही पड़ा हुआ है, तो मेरा ऐसा छुपाने वाला या ऐसा मतलब कि किसी से छुपा के रखने वाला कोई वो नहीं है, कि मतलब कि अक्सर होते हैं यूट्यूबर्स, उनको मैंने देखा है कि अपना सामान जो है ना छुपा के अलमारियों को ताला लगा के रखती हैं, लेकिन मेरा तो ओपन पड़ा होता है। तो ये यहाँ पे बस मेरी एक कप ही होता है छोटा सा, और मैं दो कप बना लेती हूँ क्योंकि मुझे चाय का बहुत शौक है। तो वो जब एक ख़त्म होता है फिर मैं दूसरा भर के लाती हूँ, मतलब कि इस तरह मैं जो है ना चाय जो मेरी है ना पूरा दिन चलती रहती है। ये मेरी चाय आ गई, ये मेरे बिस्किट, और इसमें ये एक कोकोनट, और ये जो है ना ये बॉल्स, वाटर बॉल्स, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी। ये गुजी ने देखी, गुजी है तो छोटी सी, लेकिन इसने ना सारी पिंक कलर की अगट्ठी करके रखी है एक जगह पे, और जो है ना ग्रीन कलर की जो है, ग्रीन कलर की सारी एक जगह पे रखी हुई है। और मतलब कि ये मैंने पैकेट में डाल के मान के लिए रखी थी कि वो इसको ना फील करेगी तो वो खुश होगी, लेकिन इसने वो पैकेट खोल दिया और जो है ना पूरे कमरे में फैला दिए, और ये इसने मेरे पास ला के रख दिए। तो ये वाटर बॉल्स, हम बच्चे हैं तो बच्चों को हम ये नहीं कह सकते कि आप मैस ना करें, बच्चे हैं तो बच्चे मैस तो करेंगे। मेरा कमरा पूरा मतलब सुबह साफ करती हूँ, पता ही नहीं चलता कि फिर वही हाल हो जाता है कमरे का। तो अभी जो है ना मान भी रो रही है, और गोभी तो अपने चिटोस खा रही है। तो बस अभी जो है मैं ये चाय पीऊँगी, फिर मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँगी। Where is Guzi? I see you. यहाँ पे मैं कपड़े जो है सारे इकट्ठे कर रही थी, तय करके रख रही थी सब अलग अलग करके, और जो है बस इसके साथ मैं अपना व्लॉग जो है एंड करूँगी। बाकी मेरा जो है व्लॉग रात को आ जाएगा, और कल का व्लॉग फिर कल आएगा। ये इस्त्री जो है ये बहुत ज़बरदस्त है, आप इसकी स्टीम देख लें कैसे ज़बरदस्त ये स्टीम दे रही है। तो अगर आप लोग कोई इस्त्री लेना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर ये वाली इस्त्री लें, बहुत अच्छी है ये।